स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट्स बीपीएससी ट्री 4.0 कंप्यूटर साइंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो आपका 6 to 8 कंप्यूटर का जो बहाली आने वाली है इससे रिलेटेड एक न्यू अपडेट आई है, वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो कुल आपका 28,000 वैकेंसी जो आपको आने वाली है 6 to 8 कंप्यूटर में इससे रिलेटेड। और एक भी और अपडेट है कि जितने भी सरकारी विद्यालय है, जितने भी स्कूल है, वह सारे में जो आपका कंप्यूटर का व्यवस्था करने के लिए बोला गया है, टैबलेट और कंप्यूटर का व्यवस्था करने के लिए बोला गया है बिहार सरकार के द्वारा कि जितने भी सरकारी विद्यालय है सारे विद्यालय में आपका कंप्यूटर का व्यवस्था हो। ठीक है, तो क्या अपडेट आ रही है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो आपका अपडेट है कि आपका जदयू के तरफ से जो आपका ट्वीट किया गया है, आप यहाँ पे देखें, इससे पहले सिर्फ आपका पेपर कटिन आया था तो बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि ऐसा नहीं हो सकता है कि आपका कंप्यूटर का बहाली आए 6 to 8 में, लेकिन अब देखिए आप जो है जनता दल यूनाइटेड के द्वारा ट्वीट किया गया है। ठीक है, कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ रोजगार, ठीक है, राज्य के सभी मध्य विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षक होंगे तैनात। इनके द्वारा भी बोला जा रहा है कि जितने भी मध्य विद्यालय है, मतलब 6 to 8 है, वह सारे विद्यालय में जो होगा कंप्यूटर शिक्षक जो है वह तैनात किए जाएंगे। नियुक्ति नियमावली पूरी होने पर पदों के सृजन कर विभाग को प्रस्ताव करेगा तैयार, विभाग जो प्रस्ताव जो आपका तैयार करेगा। अभी जो आपका इसका नियुक्ति नियमावली जो आपका बन रहा है और आपका 2025 में जो आपका इलेक्शंस है, ठीक है, तो इलेक्शन से पहले जो इसका आपका वैकेंसी देखने को मिलेगा, क्योंकि इलेक्शंस में जो आपका नंबर ऑफ जो आपका सीट दिखाना है सरकार को, इसीलिए जो आपका नियुक्ति नियमावली कंप्लीट जल्दी करके जो आपका कैबिनेट से जो आपका पद का जो है आपका स्वीकृति जो आपका मिल जाएगा। ठीक है, राज्य में करीब जो आपका 28,000 जो है आपका मध्य विद्यालय है संचालित, तो कुल आपका जो है 28,000 जो आपका 6 to 8 विद्यालय है। ठीक है, बिहार में कुल 6 to 8 में कुल आपका 28,000 जो आपका मध्य विद्यालय है और सारे मध्य विद्यालय में जो आपका कंप्यूटर शिक्षक जो आप जो आपको तैनात किए जाएंगे। और इसका भी जो नियुक्ति जो होगा, जो इसका नियुक्ति नियमावली जो बन रहा है, इसमें भी जो आपका आ रहा है, इसका भी नियुक्ति जो आपका बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से होगा नियुक्ति। ठीक है, मतलब बीपीएससी के द्वारा ही इसका आप जो आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा और जो स्टूडेंट एग्जामिनेशन क्वालिफाइड करेंगे वही स्टूडेंट बहाल होंगे। ठीक है, यही अपडेट जो आपका जो है या जदयू की तरफ से जो आपका ट्वीट किया गया है, क्योंकि इससे पहले सिर्फ आपका पेपर कटिन आया था लेकिन अब जो है आपका जनता दल यूनाइटेड की तरफ से जो है आपका उनको ऑफिशियल वेबसाइट से जो है आपका ट्वीट किया गया है। ठीक है, इसके बाद आप एक और चीज़ देखें कि जो आपका ट्वीट किया गया यह भी आपका है कि जो जेडीयू की तरफ से ही कि हाईटेक बनेंगे बिहार के विद्यालय और प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों को मिलेंगे टैबलेट एंड कंप्यूटर। जितने भी सरकारी स्कूलों हैं सभी स्कूल में जो आपका टैबलेट और कंप्यूटर जो है आपका हर एक विद्यालय को मिल रहा है। ठीक है, वह सारा चीज़ को जो आपका व्यवस्था किया जा रहा है आपका टैबलेट और कंप्यूटर्स का, क्योंकि जैसे ही हम कंप्यूटर टीचर का बहाली होगा सारे स्कूल में जो आपका पढ़ाई जो आपका चालू हो जाएगी 6 to 8 में भी। ठीक है, तो जल्दी ही आपका नियुक्ति नियमावली बन के और आपका हो सकता है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि 1 से 2 महीने के अंदर में जो आपका सारा चीज़ प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाए और आपका कैबिनेट से भी पद का स्वीकृति मिले और ट्री 4.0 में जो आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी आपका ट्री 4.0 का नोटिफिकेशन आने में अभी आपका समय है। ठीक है, यही अपडेट था आपका बीपीएससी ट्री 4.0 और जो आपका कंप्यूटर वैकेंसी जो आपका मध्य विद्यालय 6 to 8 के लिए। अगर आपको कोई भी डाउट है इस वैकेंसी से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।